हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिज़ाइन मास्टर। दोस्तों, जैसे कि आप कई सारे बैनर्स बनाते होंगे और पोस्टर्स बनाते होंगे किसी सॉन्ग का या मूवी का, तो अगर आप नॉर्मल सा कोई हिंदी फॉन्ट यूज़ करते हैं और उसको इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं किसी फॉन्ट को, तो वो बहुत एक बेसिक सा, बहुत नॉर्मल सा एक ग्राफिक बनता है, एक पोस्टर बनता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से किसी पोस्टर को बनाते हैं और उसमें इस तरह का टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट जैसे आपको दिख रहा होगा, इस तरह से कुछ यूज़ करते हैं, तो आपके ग्राफिक, जो आपका ग्राफिक है वो किस लेवल पर पहुंच जाएगा? क्योंकि जो मेन टाइटल टेक्स्ट होता है वही किसी भी पोस्टर का मेन पार्ट होता है, जो कि सबसे पहले दिखता है किसी भी व्यूवर को। इसको कैसे बनाएंगे, यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। आप देख रहे हैं डिज़ाइन मास्टर। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि ये एक पेज है और इस पे मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ। ये है टेक्स्ट टूल और अभी इसमें जो फॉन्ट है वो सेंचुरी गॉथिक है। मैं इसे, मान लो, जैसे कलर में इसका ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, हिंदी, जैसे अभी इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी है। तो जो हमने फॉन्ट हम यूज़ करेंगे वो है, फॉन्ट का नाम है AMS। जैसे कि मेरे पास पहले से ही इसमें फॉन्ट जो है वो डाउनलोड करके मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो मेरे में इस तरह से इसको दिखा रहा है। तो जो ये AMS फॉन्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में जितने भी ये फॉन्ट्स हैं वो मैं एक लिंक बना दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप सबसे पहले डाउनलोड कर लेना जब भी आप काम करेंगे। जैसे कीबोर्ड में कौन से बटन पे कौन सा वर्ड है हिंदी में, उसके लिए मैं जो इसका कीबोर्ड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड करके वो इमेज आप ओपन कर लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हिंदी, ये मैंने लिखा, तो मैंने लिख दिया हिंदी, ठीक है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये फॉन्ट है जो, इसको हम कैलीग्राफी फॉन्ट बोलते हैं, जो एक कैलीग्राफी, एक स्टाइल होता है फॉन्ट्स का, जिसको कर्व्स और इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। हम यहाँ से देखते हैं कितने सारे फॉन्ट्स हैं, एक बार आप देखिए, ये सारे फॉन्ट्स हैं। आपको जो भी पसंद आता है आपके ग्राफिक के अकॉर्डिंग या फिर बैनर के अकॉर्डिंग, उसको आप वो वाला फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी फॉन्ट की, और अब बात आती है जो जिसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जो 3D टेक्स्ट हम जो देख रहे थे, जैसे जिसमें मैंने रामायण लिखा था, तो वो कैसे लिखना है। तो उसको इजी बनाने के लिए आपको बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ। एक मेरे पास ये एक फाइल है, तो इसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वो आपको डाउनलोड करना है। और इसमें चेंजेस कैसे करना है, सबसे बड़ी बात वो है, और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, हिंदी में भी कैसे यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पर लेयर्स आप देख रहे हैं, लेयर का ये पार्ट देख रहे हैं, तो इस पर आपको सबसे पहले डबल क्लिक करना है। ये हमारे लेयर्स आ गए, जैसे FX टेक्स्ट, और दूसरा जो लेयर है ये वाला, और ये थर्ड लेयर। इन तीनों को जैसे हमने, इनकी आइज जो है वो ओपन कर लेनी है, जिससे कि सारी चीज़ें दिखेंगी। तो सबसे पहले जो हमें अब टेक्स्ट चेंज करना है, वो भी हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के लिए आपको जो फर्स्ट ये वाला लेयर है, इस पर भी डबल क्लिक करना है, तो आपका ये भी चीज़ खुल जाएगी। मैं इस पर टेक्स्ट टूल मैंने जैसे सेलेक्ट किया है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। अब मैं लिखता हूँ इस पर जो चीज़ मुझे लिखनी है, मैं यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉन्ट कौन सा सेलेक्ट करना है। AMS का मैं आकाश जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे हिंदी में टेक्स्ट लिखना है। कीबोर्ड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो दिया है उससे आप कीबोर्ड देख लीजिएगा कि कौन से बटन पे कौन सा वर्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये लिख दिया मैंने महाभारत, जैसे कि कोई हिस्टोरिक टॉपिक है और ऐसे वर्ड इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये वर्ड लिख रहा हूँ। वो आपकी चॉइस है आपको कौन सा वर्ड सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने लिखा। अब इस पर आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो पर ये है कि आपको इस टेक्स्ट में चेंजेस कैसे करने हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरा वीडियो देखना है, इसको फिर सेव करना है।
कंट्रोल एस दबा दीजिएगा तो आपका ये पार्ट सेव हो रहा है, ये सेव हो रहा है, ये डन हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर इस वाले पे। अब देखें बहुत ही इजी वे है, लेकिन आपको इसका कलर भी कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये डन हो गया, यहाँ भी आपको कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस कर दिया। अब आपको सबसे बाहर वाली लेयर पे आना है जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको आप चाहें तो ऐसे यू कर सकते हैं। इसको ज़्यादा बेटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक इमेज है, इमेज मैंने उठाई और इसको मैंने यहाँ डाल दिया। इसको नीचे कीजिए, ये बैकग्राउंड में आ गया। अभी बहुत मुझे कुछ बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है, ये जैसे ब्लैक कलर है, तो ऑल्ट एंड बैक स्पेस मैंने इस पर कलर कर दिया इस लेयर पे, और इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दूँगा ताकि जो टेक्स्ट है वो और ज़्यादा अच्छे से दिखे। ये हो गया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे आपका बैकग्राउंड किसी भी कलर का है तो इसका जैसे मुझे शेडो जो दिख रही है वो ब्लू दिख रही है ना, ब्लू है और ये ऊपर ऑरेंज है, तो हम इसका कलर कैसे चेंज करें। हो सकता है कि आपको इसका कलर डिफरेंट अगर करना है तो कैसे करोगे। सेम चीज़ हम इसके अंदर जाएंगे, इस पर गए, इस पर जो ये वाला लेयर है, ये वाला आपको यहाँ जाना है, 3D पे जाना है, कलर ओवरले यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो आपका ये पार्ट खुल जाएगा। जो ये ब्लू कलर है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, सॉरी, इस पे आपको क्लिक करना है तो जो कलर है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से, हो सकता है आपको ये ऑरेंज डार्क ये करना हो तो ओके कीजिए, इसको भी ओके कीजिए, आपका कलर चेंज हो गया। मुझे तो ये भी ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑरेंज के पीछे डार्क कलर ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और आपको ऊपर का इसका भी अगर कलर चेंज करना है, जो ये सबसे ऊपर का पार्ट है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जैसे अगर आपको येलो कलर इसको चेंज करना है, येलो कलर को कैसे चेंज करेंगे। तो ये एफएक्स टेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे जाना है, इसके सबसे नीचे वाले लेयर पे आपको क्लिक करना है, जो इसका एफएक्स लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है, और जो ग्रेडियंट जो आपका ये कलर है, ये जो ग्रेडियंट आपको कलर दिया हुआ है यहाँ पर जाना है, यहाँ आपको कलर्स दिख रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करना है। आप किसी भी कलर में इसको लिख सकते हैं, चाहे आप उसको इस कलर में लिखें और या फिर इसको यहाँ पर थोड़ा डार्क सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा डार्क सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उससे बेटर तो वो आपकी चॉइस है, आपको किस तरह का इसको बनाना है, तो ये उस तरह का दिखेगा ऐसा कुछ। हाँ ये भी ठीक है इस तरह से। अब आपको इसको सेव करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल एस करना है तो जाके आपका ये बैकग्राउंड में जो है यहाँ पे भी जो होगा टेक्स्ट वो सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ 99% जैसे कंप्लीट हो जाएगा 100%, तो आपका यहाँ पे ये चेंज हो गया है। तो देखिए कितना फ़र्क है इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डाउनलोड करना है, और ये आपका फ़ोटोशॉप जो लेटेस्ट वर्जन है, अभी मैं इसको 21 यूज़ कर रहा हूँ, 2021, तो उसमें आपका इजीली यूज़ हो जाएगा। और लोअर वर्जन में आप देखिएगा हमारे बाकी ट्यूटोरियल्स भी, उसमें कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे ये है, और अगर आपको ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट और मिल जाएंगे और आप बना सकते हैं, इसको आप अपने बैनर पे, अपने पोस्टर पे, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, जैसे किसी सीरियल का या किसी मूवी का, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये हेल्प जो है वो कैसी लगी। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, तो मैंने फ़ाइल बना के जो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं और आप भी कभी इसको यूज़ कर पाओ। सो थैंक यू सो मच। डिज़ाइन मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी के वीडियोस भी हमारे देखिए, वीडियो को लाइक कर देना यार, और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।